सो मिस्टर पाटिल, क्या आपके लिए इस कंपनी के अलग अलग रूल हैं या शायद इस कंपनी के रूल आप पर लागू नहीं होते? सॉरी सर, इट वॉन्ट हैपन अगेन। देखो अर्शन, यू हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। बाकी लोगों में वो बात नहीं है जिसके तुम्हें तुम्हें अपने काम को भी रेस्पेक्ट देना पड़ेगा। तुम्हारा ये रोज रोज लेट आना है तुम्हारे लिए अच्छा है ना इस कंपनी के अच्छा। सो प्लीज फ्रॉम टुमारो बी ऑन टाइम, एल्स आई हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट यू, अंडरस्टैंड? क्या बात अंचल, खोए खोए क्यों है इतना? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा काम का प्रेशर। काम का प्रेशर तू कब से नहीं लगा? अरे चल मत बता। अरे ये बता कि रात को फ्री है क्या? हाँ फ्री। तो आ जाना मेरे घर पे, सूरज और मनीष भी आ रहा है। अच्छा तू आगे चल, मैं आता हूँ। अच्छा चल मिलते हैं। मैं वॉशरूम से आता हूँ। मैं वॉशरूम से आता हूँ। मुझे पता था तू मुझे संभाल लेगा, तू मेरा सच्चा दोस्त है। इतनी बार बोला है तुझे, थोड़ी कम पिया कर। कल से बन, पक्का बन। या मेरा तो सर फटा जा रहा है। कल कुछ ज्यादा ही हो गई थी। हाँ कल कुछ ज्यादा ही हो गई। हाय, क्या मैं आपको जानता हूं? मुझे ऐसा नहीं लगता। क्या आप पुणे से हैं? नहीं, मेरा पुणे से कोई ताल्लुकात नहीं है। ओ, मुझे लगा आप पुणे से। वैसे मैं हर्षल, यही सिकॉम में काम करता हूँ।
और मैं देव, इसका बॉयफ्रेंड। कुछ काम है? नहीं। क्या हुआ? कौन है वो लड़की? कोई नहीं। क्या बात हर्षल, क्या हुआ? वो लड़की मुझे मेरे सपने में दिखाई थी, वो खून में लिपटी हुई थी और कोई उसका पीछा कर रहा था। मुझे यही सपना पिछले 4-5 दिनों से आ रहा है। तुझे क्या लगता है, सच में ऐसा कुछ होगा? हाँ, मतलब कह नहीं सकते। तू भूतिया मूवी कम देखा कर, तू जैसी मूवी देखता है ना, तुझे सपने भी वैसे ही आते हैं। वो सपना जैसा बिल्कुल नहीं था, कल भी मैंने कुछ देखा था, मनीष के साथ हादसा होते। जब वो बाथरूम जा रहा था, कल वो गिर जाता और उसका सर फट जाता अगर मैंने उसे संभाला नहीं। मतलब तुझे अब ये कहना है कि तू फ्यूचर देख सकता है? नहीं, देख नहीं सकता, बस कुछ हल्की झलक दिखाई दे। चल चल, बहुत हो गया, एक बार चल घर चलते हैं, वो कमीना मनीष भी उठ गया। रुको,